आज एक बार फिर काशी में नमो नमो हो रहा है। पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाने के बाद पहली बार अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के लोगों का आभार जताया। पीएम मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात भी दी। उन्होंने किसानों के सम्मेलन में 50,000 किसानों से संवाद किया। आज पीएम ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करते हुए 20,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे, जिससे देश के 9 करोड़ 26 लाख किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचा। इस दौरे में पीएम मोदी एक बार फिर मां गंगा की आरती करेंगे, जिसके बाद पीएम काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। जब एक तरफ लगातार तीसरी बार जीत के बाद पीएम वाराणसी के दौरे पर हैं, वही कांग्रेस तंज कर रही कस रही है कि अगर अजय राय की जगह प्रियंका वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ी होती तो नतीजे हैरान करने वाले होते। जहां विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि पीएम मोदी का मैजिक कम हो रहा है, वहीं बीजेपी कह रही है कि मोदी पर जनता का भरोसा पहले की तरह कायम है, इसीलिए जनता ने लगातार तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री मोदी का राज तिलक किया है। सुनिए आज पीएम मोदी ने किसानों का आभार जताते हुए क्या कहा। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज का ये कार्यक्रम भी विकसित भारत के इसी रास्ते को सशक्त करने वाला है। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। पीएम मोदी अब से कुछ ही देर बाद मां गंगा की आरती करेंगे। देखिए, इससे पहले कब कब उन्होंने गंगा आरती की थी। 17 मई 2014 की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां लोकसभा चुनाव में जीत के बाद काशी में गंगा आरती प्रधानमंत्री मोदी ने की। उसके बाद 8 नवंबर 2014 को उन्होंने गंगा आरती की। फिर 12 दिसंबर 2015 को जब जापान के पीएम शिंजो आबे पहुंचे थे वाराणसी, उनके साथ गंगा आरती में शामिल हुए थे। फिर 25 अप्रैल 2019 को पीएम ने नामांकन से पहले गंगा आरती की। उसके बाद 13 दिसंबर 2021 को, और आज प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली बार गंगा आरती करने वो पहुंचे। तो किसानों के साथ ये सम्मेलन रहा उनका, किसानों के साथ उन्होंने बातचीत की, संवाद किया, पर किसानों के खाते में पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की किश्त डाली। और इसी मौके पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इससे खुश नजर नहीं आए। उन्होंने प्रधानमंत्री पर और सरकार पर निशाना साधा। चिंतित शिविर के बाद आप मिलते भी हो, जाते भी हो, समस्या बताते हो क्या? अभी टाइम भी लगा उनसे दे दिया, वे साथ अभी है नहीं या कहाँ है, तो कभी भी टाइम वो देंगे तो जाएंगे। अब देंगे नहीं देंगे, सरकार की पॉलिसी होगी कि नहीं मिलना तो ये नहीं मिलने के, अगर ये है कि मिलना है तो मिलेंगे, तो हम उसको ज्यादा कोई वो नहीं करते।
आने वाले जो चुनाव चुनाव में तो इलाज होगा इनका, नहीं काम करेंगे तो इलाज तो होगा।